मैदागिन स्थित टाउन हॉल में बनी मल्टी लेवल पार्किंग के बावजूद मैदागिन शव वाहन स्टैंड पर लगी गाड़ियों का शनिवार को वाराणसी ट्रैफिक विभाग ने जमकर चालान किया। डेंजर पार्किंग को लेकर किए गए इस चालान से वाहन स्वामियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि यहां की खबर पिछले दिनों लाइव वीनस ने प्रमुखता से छापी थी, जिस पर वाराणसी ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की बात भी कही थी। यातायात माह नवंबर में जाम मुक्त बनारस को लेकर पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश लगातार महातों को निर्देशित कर रहे हैं। बावजूद इसके कोतवाली थाने से चंद कदम दूर हरिश्चंद महाविद्यालय के मुख्य द्वार से लेकर मैदागिन पेट्रोल पंप तक बने हुए शव वाहन स्टैंड में प्राइवेट वाहन ठाट से खड़े हो रहे हैं। इस वजह से टाउन हॉल मैदान में बनी मल्टी लेवल पार्किंग भी सिर्फ शो पीस बनकर रह गई है। के सर जहाँ बता रहे हैं पार्किंग वहाँ पे लेके लगा दी। लगा दीजिए। यही बगल में आपके है। ठीक है सर, जय अभी अभी आई है। अवैध रूप से वाहनों की पार्किंग से लगने वाले जाम पर स्थानीय लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाया था, जिस पर लाइव वीनस ने खबर की थी। इस खबर के लगने के बाद शनिवार को ट्रैफिक इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार सिंह द्वारा कमर्शियल वाहनों का डेंजर पार्किंग में खड़ा होने को लेकर चालान किया गया। इस दौरान 10 गाड़ियों का चालान किया गया और उन्हें हिदायत भी दी गयी। आप सर जाने दे।